दोस्तों, क्या आपके कमर में दर्द है? क्या सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आपका कमर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? तो क्या ऐसे टॉप 5 कारण है जिसकी वजह से आपको सुबह सुबह सो के उठते हुए कमर में दर्द हो रहा है, और इसको बचने के ऐसे 5 क्या उपाय हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, कमर दर्द एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। कमर दर्द की प्रेवलेंस की बात करें हमारे देश में तो वो ऑलमोस्ट 80% होती है, यानी 5 में से 4 एडल्ट्स को कमर में दर्द जीवन में कभी ना कभी हुआ है या इस समय कमर में दर्द हो रहा है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं काम करता हूँ दिन भर तो कमर में दर्द बिल्कुल नहीं रहता, पर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे कमर के अंदर दर्द और जकड़न इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मुझे बिस्तर से उठने नहीं देती है, मेरी मॉर्निंग्स कभी भी फ्रेश नहीं रहती है, मेरी मॉर्निंग्स हमेशा दर्दनाक और पेनफुल रहती है, और काफ़ी टाइम लगता है मुझे, आधा पौना एक घंटा लग जाता है कहीं ना कहीं बॉडी को मूव करने में, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मॉर्निंग्स हमारी सबसे प्रोडक्टिव होती है, यानी जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा तरोताज़ा होती है, और हम सबसे ज़्यादा उस समय ऊर्जावान होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, और दिन भर के जितने सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमको सुबह सुबह कर लेने चाहिए, क्योंकि वो आपके सबसे सफलपूर्वक होते हैं अगर आप सुबह सुबह करें। पर यदि आपका कमर का दर्द आपको सुबह सुबह तंग कर रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 कारण बताता हूँ कि कैसे आपका कमर का दर्द हो रहा है सुबह सुबह। दोस्तों, सबसे कॉमन कॉज जो कमर में दर्द सुबह सुबह का होता है, उसका कारण होता है बैड स्लीपिंग पोजिशन। दोस्तों, जब हम सोते हैं अक्सर तो कई बार हम स्लीपिंग पोजीशन जो हमारी होती है बहुत ही ख़राब होती है, हम पेट के बल पे ज़्यादा सो जाते हैं, या जब हम करवट भी लेते हैं तो थोड़ा सा हमारी कमर ज़्यादा फ्लेक्स हो जाती है, ज़्यादा मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे कमर में सुबह सुबह दर्द होता है। बेस्ट उसका सोल्यूशन है कि पिलोस का प्रॉपर यूज़ कीजिए। अपनी थाइस के नीचे अगर आप पिलो लेके रखेंगे तो कमर की मसल्स थोड़ी बहुत रिलैक्स्ड रहेंगी। यदि आप करवट लेके भी सोना चाहते हैं तो अपनी टांगों के बीच में एक तकिए को जरूर लेके चलिए, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड रहें और आपको सुबह सुबह जब आप सो के उठे तो कमर में दर्द ना हो। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है डिस्क डीजेनरेशन। हमारी कमर के अंदर या रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जो स्पाइन होता है, उसके बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है। वो डिस्क धीरे धीरे घिसने लग जाती है, उम्र के बाद घिसने लग जाती है, परंतु कुछ यंग पेशेंट्स के अंदर खराब पोस्चर की वजह से या वजन ज्यादा होने की वजह से उनमें डीजेनरेशन जल्दी हो जाता है। डिस्क डीजेनरेशन की वजह से भी आपके कमर के अंदर दर्द हो सकता है। डिस्क के अंदर जो प्रेशर होता है वो अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके आसपास के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। ये एक्सेसिव प्रेशर जब एक डीजेनरेटेड या घिसी हुई डिस्क के ऊपर पड़ता है तो आपके कमर के अंदर दर्द हो सकता है, और जब आप सुबह सुबह सो के उठेंगे तो आपको उठने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है इन्फ्लेमेशन या कमर में या रीढ़ की हड्डी के अंदर जलन होना। इसका इंपॉर्टेंट कारण होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आक्रमण करने लगे तो उस रीढ़ की हड्डी के अंदर इन्फ्लेमेशन या जलन होने लगता है, जिसे हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये इन्फ्लेमेशन या जलन अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती है, और पेशेंट अक्सर आके हमें बोलते हैं कि हमारे कमर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो कि रेस्ट पे या सुबह सुबह सो के उठते हुए सबसे ज्यादा तीव्र होता है, और उसके साथ साथ जकड़न भी होती है जो एक्सरसाइज के साथ और मूवमेंट के साथ हल्की होती है। तो इन्फ्लेमेशन एक इंपॉर्टेंट कारण होता है सुबह सुबह कमर में दर्द का। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है स्पाइनल स्टीनोसिस। यदि आपकी स्लिप डिस्क या दोनों रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो डिस्क है वो पीछे की तरफ यदि हर्निएट कर जाए या मूव कर जाए और वो स्पाइनल कॉर्ड को पिंच करने लगे या उसको कंप्रेस करने लगे, उसकी वजह से भी आपके कमर में दर्द होता है, और वो सुबह सुबह ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क होती है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है सुबह सुबह हमारे मसल्स दुर्बल होने या कमजोर होने की वजह से। ये डिस्क आपके स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट कर सकती है, कंप्रेस कर सकती है नसों को,
जिसकी वजह से आपको सुबह सुबह कमर में दर्द के साथ साथ पैरों में झिझनाहट, जलन, सूनापन भी हो सकता है। दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट कॉज होता है कमर में दर्द का सुबह सुबह, होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ मसल्स वीक होने लग जाते हैं, हमारा जो पेट है सामने की तरफ बढ़ने लग जाता है लेडीज के अंदर, कुछ लिगामेंट्स भी वीक हो जाते हैं स्पाइन के, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर रीढ़ की हड्डी और उसके इर्द गिर्द जो मांसपेशियां हैं उस पे आने लग जाता है और वो टाइट होने लग जाती हैं, और ये कमर में दर्द का कारण बन सकता है। और सुबह सुबह बहुत ज्यादा पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं में कि कमर का दर्द बहुत ज्यादा होता है एंड दे डू नॉट हैव अ फ्रेश मॉर्निंग। अगर आप मुझसे पांच टॉप ऐसे सॉल्यूशन मांगे कि कैसे मैं सुबह सुबह के कमर के दर्द को अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसमें पहला है सोने से पहले आपको एक हॉट शावर लेना बहुत जरूरी होता है, या अल्टरनेटिवली आप गर्म सेक भी अपने कमर में ले सकते हैं यदि आपको डिस्क की प्रॉब्लम है या यदि आपको इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस है, तो जरूर हॉट शावर लीजिए सोने से पहले, गर्म पानी से नहाएं या कमर पे गर्म सेक दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप होता है कि एक्सरसाइज जरूर आपको सोने से पहले करनी है, दिन में आपको 2 से 3 बार एक्सरसाइज करनी जरूरी है, उसमें से एक सेट को रिजर्व रखिए, सोने से जस्ट पहले एक्सरसाइज करिए, आपकी मांसपेशियां पूरी मजबूत रहेंगी और आपको कमर में दर्द नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि अपना डिनर लाइट लीजिए, अगर आप डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स बहुत ज्यादा लेंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन हो जाने का खतरा है, जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द हो सकता है। दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट है कि अपना तकिए का सही से इस्तेमाल कीजिए, सोते समय अपने थाइस के नीचे तकिया रखिए या दोनों टांगों के बीच में करवट लेते समय तकिया रखिए। और पांचवा इंपॉर्टेंट टिप है प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन कीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, सोते हुए ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना कीजिए, एक कंफर्टेबल क्लोथिंग यूज कीजिए, कंफर्टेबल मैट्रेस और पिलो का इस्तेमाल कीजिए सोते समय। दोस्तों ये पांच टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो आपको सुबह सुबह कमर में दर्द नहीं होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू।